वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज का कुछ सीन ऐसे होने वाला है कि मेरा बीएससी में एडमिशन हो चुका है। कहाँ हुआ एडमिशन, कहाँ नहीं, सारा कुछ बताएंगे इस ब्लॉग में। तो प्लीज इस ब्लॉग को एंड तक देखना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब भी वैसे कर देना। मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी, ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरण आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। आप बताते हैं कि हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है बीएससी का, जिसमें हमें बायोलॉजी से हमने किया है, तो हमें तीन विषय मिले हैं, बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ से किया हमें कमेंट में बता सकते हो। और मेरा कॉलेज है जो कि वहाँ है का ना, उसका क्या नाम, मानिकपुर में कॉलेज है फरुखाबाद में, तो वहीं पर मेरा कॉलेज का नाम है श्री रविंद्र नाथ पीजी कॉलेज, वहाँ से मैंने एडमिशन लिया है। तो आप लोग कहाँ से कर रहे हो बता सकते हो। और अभी हम खेतों की तरफ आए हैं घूमने के लिए, तो जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ खेत ही खेत हैं। तो हमने ये छोटी सी जानकारी ज़रूर आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप मेरे परिवार हो। और आपके भाई ने गिम्बल एक ऑर्डर कर दिया है जो कि आ जाएगा 2-3 दिन में। तो कौन सा गिम्बल है, जो कि बहुत ही अच्छा गिम्बल है, हमने कहा मंगा लेते हैं क्योंकि ब्लॉगिंग उससे आसानी रहती है। तो वो आ जाएगा 14 तारीख को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी पर मैं दिखाऊंगा कौन सा गिम्बल है कैसा नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया और ज़्यादा पैसा का भी नहीं, सस्ता है लेकिन मजबूत बहुत है। तो वो आएगा तो ज़रूर दिखाएंगे। और अब इधर घूम रहे हैं, जैसा कि गाइस हमने 1000 लाइक की डिमांड की थी एक वीडियो पर, जिस पर आप लोगों ने पूरा करवा दिया है। तो हमने उस वीडियो में कहा था कि जब मैं आप लोग 1000 लाइक कम्प्लीट करा दोगे तो मैं इस मंदिर में किसकी मूर्ति दिखाऊंगा। तो आज बहुत दिन आ गया है दिखाने का, तो हम जा रहे हैं, जैसा कि सामने आप लोग देख सकते हैं मंदिर है। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें किसकी मूर्ति है किसकी नहीं, क्योंकि आपने 1000 लाइक टारगेट पूरा करवा दिया। तो इसके लिए भी धन्यवाद आप। अभी हम लोग आ रहे थे इसी रास्ते से, हम लोग देख सकते हैं। तो अभी एक बच्चा था यहाँ पर जो भैंस चरा रहा था, बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो हम दोनों लोग साइकिल से आ रहे थे, उसने क्या किया साइकिल के आगे डंडा फेंक दिया अपना। तो वो तो हम बच गए कि साइकिल की तिलियों में उसका डंडा नहीं घुसा। हमने फिर उससे हम रुके, उसने उसको हमने मारा नहीं, क्योंकि हमने कहा चलो छोटा बच्चा है छोड़ देते हैं। मगर सही बताएं, गांव के बच्चों को तमीज़ बिल्कुल नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता है क्या करना चाहिए। उससे हमारे चोट भी लग सकती थी, चोट लग जाती तब हम मारते भी उस बच्चे को। वो तो हमारे नहीं चोट लगी इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। वैसे हम मारते नहीं हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि वो 7-8 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। अगर बड़ा होता तो उसको सही से लेते। तो यही हुआ था अभी हमारे साथ। तो जैसा कि जिंदन ने अभी बताया, बच्चा यार काफ़ी छोटा था, लेकिन इनने थोड़ा लगे हाथों लिया यानी डांटा भी, लेकिन हमने कहा चलो छोड़ दे, यानी उसे अगर मारेंगे तब भी उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसके पापा होते हैं तो हल्ला भी करवाते हैं, लेकिन ऐसे उसके समझ में तो आने वाला नहीं। तो हमने छोड़ दिया, नहीं चलो यार कोई बात नहीं, हमारे लोगों को चोट भी नहीं लगी थी, तो यार क्या फ़ायदा उसे डांटे या मारे, तो जाने दिया। लेकिन गाँव के बच्चों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो गाइस जैसा कि हम लोग साइकिल से आए थे, लेकिन यहाँ इस बोरी में आटा है, तो अब दो जने तो साइकिल पर बैठ नहीं सकते। तो मेरा छोटा भाई जयेंद्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो वो साइकिल ले जा रहे हैं, हम पैंदर पैंदर चल रहे हैं इनके साथ में। तो अब घर पर चल के आपसे मिलते हैं। तो अभी हम भी बैठ लिए हैं साइकिल पर, जयेंद्र ने कहा बैठ लो, तो अब जयेंद्र चला रहे हैं हम भी बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल आ रहा होगा, तो घर पर चल के मिलते हैं। सही,